मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल यानी 7 अप्रैल को हल्ला बोल मशाल जुलूस निकाला गया। बता दें ये मशाल जुलूस भाजपा सरकार के खिलाफ और पुलिस कर्मी की परीक्षा में जो घोटाला हुआ और लगातार प्रदेश में पेपर लीक होने के विरुद्ध में ये मशाल जुलूस निकाला गया। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि लगातार भाजपा के सरकार में छात्रों का हनन हो रहा है और ये NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज NSUI द्वारा मशाल जुलूस, विगत दिनों पर जिस प्रकार से पुलिस कर्मी की परीक्षा में घोटाला हुआ, उसके साथ ही आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी से कॉलेज से संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लिखा हुआ, उसके विरोध में आज यह मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था और इस माध्यम से हम छात्रों तक यह आवाज ले जाना चाहते हैं कि लगातार भाजपा की सरकार में छात्रों का हनन हो रहा है, उसमें आज मशाल जुलूस था। सर, ये हल्ला बोल आंदोलन कब तक चलेगा? इसको लेकर हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। विगत दिनों हमने सागर में भी किया था, भोपाल में भी किया था और लगातार हर जिले में जाकर यह विरोध प्रदर्शन हम दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि संविदा शिक्षा घोटाले में जिस प्रकार पेपर लीक हुआ और वो मंत्री जी के यहाँ से हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री के यहाँ से ये मंत्री के कॉलेज से घोटाला हो रहा है। पर लगातार हमारा विरोध सरकार के खिलाफ रहा था। व्यापम घोटाला भी इसी सरकार में हुआ था जिसका विरोध कई वर्षों तक NSUI ने किया था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। और फिर दोबारा इसी सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे यह महसूस होता है कि बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा को रोकना चाहती है। जिस प्रकार संविदा शिक्षा घोटाले में अभी आपने देखा उसका पेपर लीक हुआ और वो मंत्री के यहाँ से हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री के यहाँ, मंत्री के कॉलेज से घोटाले का पेपर लीक हो रहा है। और लगातार हमारा विरोध इस सरकार के खिलाफ ये रहा था। व्यापम घोटाला भी इसी सरकार में हुआ था जिसका विरोध लगातार कई वर्षों तक NSUI ने किया था, 50 से अधिक लोग मारे गए थे। और फिर दोबारा इसी सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे ये महसूस होता है कि सरकार लगातार शिक्षा को रोकना चाहती है, नौजवानों के अधिकार को रोकना चाहती है और जो युवा हैं, जो चाहते हैं उनको नौकरी मिले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। इसे NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, लगातार हम छात्रों की मांग उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज, जबलपुर से शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट।